पीएफसी 6% की ज्यादा तेजी देकर आज क्लोज हुआ है। और आखिर ये स्टॉक करना क्या चाहता है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में तकरीबन 112% की तेजी देखने को मिली है। तो गजब की इंफॉर्मेशन दूंगा, ध्यान से चीजों को देखना और समझने की कोशिश करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीडियो को ये देखकर ये सोचकर मत देखिएगा कि आप इस वीडियो को देख के बहुत पैसा बना लोगे। आप ये सोचकर आइए कि मैं इस वीडियो से जो लर्निंग करूंगा उसकी बदौलत बहुत पैसा बनाऊंगा। ठीक है, तो हमें निर्भर नहीं रहना है, हमें सक्षम बनना है कि हम आगे खुद निर्णय ले सके, हम खुद आगे बढ़ सके। इस वीडियो को देखकर मैं 10 और स्टॉक खुद एनालाइज करूंगा और उनके अंदर सीखूंगा कि आखिर मार्केट काम कैसे करती है। तो दोस्तों पीएफसी सबसे पहले फंडामेंटल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है इसके अंदर, आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग देखना बहुत जरूरी है। हमेशा जब भी प्रमोटर की होल्डिंग देखें, अगर उसमें 50% से ज्यादा होल्डिंग है तो इसका मतलब प्रमोटर उसको चला सकता है। तो यहाँ पे होल्डिंग अच्छी खासी है प्रमोटर की, बड़ी अच्छी बात है। ध्यान रखना, अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है 50% से, तो उस केस में ये जरूर देखा करो कि FIs के पास कितना माल है। अगर FIs और इसका दोनों का मिला के 50% से ज्यादा बन रहा है तो काफी तब भी अच्छा है, हम नेगेटिव पॉइंट नहीं मानते हैं। बट अगर प्रमोटर के पास माल बिल्कुल कम है, 50% से कम है, मतलब आप 40% कह लो, 30% कह लो, और ज्यादा माल पब्लिक के पास है, तो उस कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड जो है वो जरूर कर देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आपकी मर्जी है भैया। बाकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया FIs ने माल खरीदा है, ये बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो FIs कैसे भर भर के जोली भर के खरीद रहे हैं, DIs जो हैं यहाँ पर देखिए माल खरीद रहे हैं, पब्लिक यहाँ पर माल बेच के निकल रही है। तो पब्लिक जहां पे निकलती है वहीं पे तो पैसा बनता है, क्योंकि पब्लिक को जब लगता है ना कि बस बन गया पैसा, तभी तो भैया मार्केट भागती है। तो यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिल रही है, ये काफी अच्छे पॉइंट्स हमें देखने को मिले। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, भैया कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा कर रही है, अर्निंग पर शेयर काफी अच्छी है, मतलब एक शेयर के बदले कितना प्रॉफिट है तो काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए काफी अच्छी देखने को मिल रही है, तो सारी चीजें यहाँ पे हमें पॉजिटिव अभी देखने को मिल रही है। बात करते हैं भैया डेप्ट टू इक्विटी रेशो, तो यहाँ पर जो भैया कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, ये बड़ा एक डेप्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि 9 गुना जितना इसके पास भैया है पैसा, उससे ज्यादा तो इसके ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो जब फाइनेंस भैया काम करता है तो वो आगे फाइनेंस देता है और पीछे से फाइनेंस उठाता है, तो यानी कि इसने पीछे से पैसा उठा के आगे दिया हुआ है। तो अगर 6% ब्याज पर पीछे से पैसा उठाया है तो आगे ये 12% ले भी रहा होगा, और यही डिफरेंस इससे इसको प्रॉफिट में जो है वो ला रहा है और प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके जो प्रॉफिट्स हैं और बढ़ेंगे, इसके रिजर्व बढ़ते जाएंगे और आगे हमें और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी फंडामेंटल के ऊपर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कंपनी के पास 81,518 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि काफी अच्छा। और देखिए कितना तेजी के साथ ये यहाँ पर 10,000 करोड़ का आप कह सकते हो इनको जो है रिजर्व इंक्रीज होता जा रहा है, काफी तेजी के साथ हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी के पास पैसा तो है, इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो काफी अच्छा, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा पैसा इनके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है, एकदम से इन्होंने पैसा जो है वो यहाँ पे खत्म कर दिया है, जो लोन लिया हुआ था वो आप कह सकते हो चुका दिया है। बट दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने शॉर्ट टर्म बोरिंग में पैसा जो है लिया है, इसका मतलब अगर यहाँ पे लोन खत्म किया है तो ये लोन यहाँ पे ट्रांसफर जरूर हुआ है, यहाँ पर इन्होंने अब शॉर्ट टर्म के लिए लोन जो है वो कन्वर्ट अपना किया है, तो ये जल्दी ही खत्म होने के देखने को हमें मिल जाएगा। करंट लाइबिलिटी 31,965 की है। बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, तो यहाँ पर देखो भैया अगर इन्होंने लोन इतना लिया है तो हमें ये देखना जरूरी होगा क्या ये पैसा इनके पास है या कहीं फंसा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, इन्होंने जो आगे पैसा लोगों को दिया है ब्याज के ऊपर जो इनको रिटर्न जो है वो आएगा, वो ध्यान रखिए, देखिए 8,32,903 करोड़ जो है इनको पैसा आएगा। तो देखो यार लोन कितना लिया है, 7 लाख के करीब आप लोगों को लोन देखने को मिला, बट आगे जो पैसा है वो देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है काफी ज्यादा मात्रा में आगे, तो भैया इंटरेस्ट भी इनको आएगा। तो मतलब पैसे का उपयोग जो है प्रॉपर तरीके से ये लोग कर रहे हैं और आगे जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है।
तो भैया एसेट को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि इनकी लाइबिलिटीज बड़ी है, तो आप कह सकते हो कि ओके ओके है, जितना पैसा इनके पास है उतना पैसा इन्होंने मार्केट में भी लगाया है, पीछे से जितना उठाया है आगे उसका पूरा उपयोग जो है ये कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये भैया अपना पैसा इनका मतलब डूबने के, अगर पैसा डूबता है तो ही आप ये कह सकते हो कि कोई नुकसान होने के चांसेस है, बट एज पर फंडामेंटल दैट इज ओके। हमें जो अभी तक चीजें देखने को मिल रही हैं एज पर प्रॉफिट ग्रोथ बैलेंस शीट सब कुछ ओके चल रहा है एज पर फंडामेंटल, ठीक है। अब बात आती है टेक्निकल बेसिस पे क्या दिख रहा है, तो देखो यार टेक्निकल बेसिस पे हमें भी ये दिख रहा है कि इसने बहुत बड़ा अपना जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक कर दिया हुआ है, और ये है वो रेजिस्टेंस जो इन्होंने ब्रेक किया है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, और ये रेजिस्टेंस था 154 का, काफी टाइम से ये रेजिस्टेंस जो था वो चल रहा था जिसको इन्होंने जो है वो क्रॉस कर दिया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखो यार जब भी कोई कंपनी एक रेजिस्टेंस को तोड़ के जाता है कोई स्टॉक या चार्ट, वो एक बार उसको रीटेस्ट करने जरूर आता है या फिर पीछे एक बार जो है नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है और वहां से रिट्रेस करने की कोशिश करता है। तो क्या ये 154 पे आएगा, देखो मैं आपको नहीं कहता कि ये 154 आएगा, लेकिन ये आ भी सकता है। अब आप बोलोगे यार क्या यार 259 का स्टॉक चल रहा है नीचे आएगा, ऐसा थोड़ी होता है कि इतना बड़ा रेजिस्टेंस था तो एक बार रिटेस्ट करने का। देखिए कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर चलो मैं आप लोगों को रिलायंस ले लेता हूं, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं हम लोग। देखो ये रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक है, देखो मैंने ये बड़े टाइम फ्रेम पे लगाया है, देखो इस स्टॉक ने अपना सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था ये एरिया, ठीक है, इसको तोड़ा था तो ये देखो यहाँ पे रीटेस्ट करने आया था जब क्रैश आया था, है ना, यहाँ रीटेस्ट इसने किया था तो इतना बढ़ गया था फिर भी रीटेस्ट करने आया। तो दोस्तों मार्केट में रीटेस्ट जरूर किया जाता है, और कभी भी ये मत सोचिए अगर कोई स्टॉक भाग गया है तो वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। ये देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब इसने ये लेवल तोड़ा था तो 66 का हो गया था, 2 से 3 गुना स्टॉक हो गया था, फिर भी उसको टेस्ट करने आया, फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट हुआ, अभी फिर से जब ये भागा था तो देखिए अभी ये फिर से उसको रीटेस्ट करने के लिए आया। तो ये भैया मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, कभी भी ये ना सोचें कि भैया अब ये भाग गया है कभी नीचे की तरफ नहीं आएगा। अब बात आती है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। देखो इसका करेंटली अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप एक टारगेट लेके चल रहे हो कि भैया दिसंबर तक कब कहां तक जा सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि भैया आपको मैक्सिमम दिसंबर तक पॉसिबिलिटी ये भी निकल कर आ रही है कि ये स्टॉक आप लोगों को नियर अराउंड 272 रुपए के करीब करीब जो है वो देखने को मिल सकता है। बट अगर ये इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो भैया फिर तो ये 2025 तक 400-450 प्लस जाने का 24 में ही जो है वो सक्षम जो है वो रखता है। तो अभी जिस लेवल पे है ध्यान रखिए, अभी ये अपने टारगेट के पास है, यहां से रिट्रेस करता हुआ नीचे कितना आता है, नीचे की तरफ अगर ये 220-210 मिले वहां एक एवरेज बनती है, 183-176 मिले और एवरेज बनती है, और अगर 154 पे मिले तो ये तो सोने पे सुहागा होने वाली बात हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए जब भी इन लेवल्स के पास लिया जाता है, अगर अपने फंडामेंटल आपको काफी अच्छे लग रहे हैं तो फिर आप रिवर्सल का वेट ना करें, बस जैसे यहां पे आके रुके ले लीजिए, यहां पे आके रुके ले लीजिए, यहां पे आए रुके ले लीजिए। लेकिन अगर आप फंडामेंटल को नहीं देखते हैं और बिल्कुल सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो जब भी इन लेवल के पास स्टॉक आता है वहां से जैसे ही रिवर्स करना चाहे, कोई उस टाइम पे ट्रेंड लाइन टूटती है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, तब हम एंट्री लेते हैं। लेकिन फंडामेंटल वाले जिन्होंने लेके रखा है एवरेज करना चाहते हैं, जो लोग एंट्री मिस कर चुके हैं उनके लिए ये लेवल काफी अच्छे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अभी के हिसाब से एक बार ये ऊपर वाले ट्रेंड को ब्रेक कर दे, ये ट्रेंड शुरू हुआ था यहां पे आप देख सकते हो, तो अभी ये उसी को हिट करने जा रहा है, इसके ऊपर निकला तो फिर आप लोगों का ये इस ट्रेंड का टारगेट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि 450 प्लस 2025 तक आप लेके चलिए, आपको देखने को ये स्टॉक मिल सकता है। 2024 में भी आपको बड़ी तेजी के साथ ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए अगर शॉर्ट टर्म टारगेट लेना है 269 का, बट अगर ये लेवल टूट गया तो फिर आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो, जिसमें आप लोग स्टार्टिंग में 20% का ही एंट्री करिए, बाकी कैपिटल बचा के रखिए कि अगर आपको ये 220-210 के पास मिले 183-176। अब आप बोलोगे यार 20% ही मुझे क्यों लेना, मैं फुल कैपिटल यहां पे क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखिए यहां पे ये हो जाएगा ओवरवैल्यूड स्टॉक, यहां पे बहुत ज्यादा आप देखने को मिलेगा कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस केस में अगर नीचे की तरफ आता है तो हमारे पास एवरेज करने के लिए कैपिटल जो है वो होनी चाहिए, और 20% का फायदा ये होगा कि अगर यहां से ये 450 चला गया तो आपको 20% में भी एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। जब इसको रुकना ही नहीं है तो फिर ये 20% में भी अच्छा दे जाएगा, लेकिन अगर इसको सबको साथ लेके चलना है तो रिवर्स होगा, तो यहां पर एक अच्छी क्वांटिटी लेना जो है वो सही रहेगा। बाकी दोस्तों ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। बाकी वीडियो अच्छा लगा
लगा तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा टेलीग्राम का लिंक, जरूर स्कैन करके आप लोग जुड़ जाइएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।